अस्सलाम वालेकम, ते मेरा नाम है मोहम्मद अब्बास। तुसी देख रहे मेरा यूट्यूब चैनल आवास वीर। ते असी अपने यूट्यूब चैनल आवास वीर च सारे नूं खुश आमदीद कहने हैं। ते सत बिस्मिल्ला जी आयां नूं, सदा हसदे रहो ते वसदे रहो। बहुत सारिया दुआवां दे नाल अपनी अज दी वीडियो करने आ शुरू। ते वीडियो शुरू करने तो पहला जिहड़े दोस्त साढ़े चैनल ते नए आ, जिन्हां ने अज तक आवास वीर चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब कर लो। इस दे नाल घंटे दे बटन नूं प्रेस कर दो ताकि असी जिहड़ी भी नवीं वीडियो बनावांगे उसका नोटिफिकेशन तुहानूं बार वक्त मिलता रहेगा। अज दी साडी वीडियो बड़ी ही खास आ ते नाले आसान भी आ। ते उस वास्ते सब तो पहला असी जिहड़ा सानूं समान चाहिदा उह लै के आउंदे आ, ते उस तो बाद फिर अपनी वीडियो शुरू करदे आ। ते जिहड़ा समान लैणा असी लै आए आ, असी लैणगे असी बाजारों मैदा। ते मैदा असी लै आए आ, अद्धा किलो असी मैदा लैके आए हैं। इस हूँ इस पावे एक चम्मच असी अंदाजे ने नमक का, एक चम्मच पावे असी सफेद जीरे का, ते वैसे तो काफ़ी लोग जवैन भी पाते हैं लेकिन असी जवैन नहीं पानी है क्योंकि जवैन मैं खास पसंद नहीं है। तो अम्मी जी असी हूँ ये पावे डाल्टा घी। तो डाल्टा घी असी नेम गर्म कर लिया है। देखिए असी पा लिया, हूँ असी नाल ही पावे इस पानी। तो पानी पावे असी जरूरत के मुताबिक, जो ज़्यादा नरम ना हो जाए। सानू जो चाहिए मैदा जो असी आटा गुनते पे मैदे का, सानू चाहिए सख्त। मैदा बिल्कुल असी उस तरह तैयार करांगे जिस तरह समोसिया का मैदा तैयार करते हैं। मैदा साड़ा तैयार हो चलिया, हम अम्मी इस देंगे अच्छी तरह मुक्की। तो मैदा साड़ा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इस हूँ असी 10-15 मिनट इस तरह रहन देवे। तो उस तो बाद इसके पेड़े बना के तो फिर इस रोटियां बनावे। उस तो बाद फिर असं कटाई करके तो नमक परे साढ़े बन जाएंगे। तो जोड़ा इसका पेड़ा बना एक दफा ही बना है, तो बार बार अगर ढा के अगर खराब हो जाए दोबारा बनाओ तो फिर तो नमक पारे अगर पेड़ा ढा के बार बार बनाओ तो फिर उससे नमक पारे ठीक नहीं बनने। तो इस तरह से अपने साढ़े अपने पेड़े तैयार करांगे। तो उस तो बाद फिर असी बनावांगे रोटियां, उस तो बाद फिर टिक्कियां बन जाएगियां। तो चिकने उपर असी जो मैदा लगा लिया है, तो हम उपर पेड़ा रख के इसको अच्छी तरह वेलांगे। जे सी बन जाएगी फिर टिक्की कह लो या रोटी कह लो। तो उस तो बाद फिर उसकी कटाई करांगे। मैदा लगा लिया रोटी के उपर भी। तो रोटी सिकन साड़ी तैयार हो गई है। तो हूँ जे सैड वाले इस कंडे आना वेल अच्छी तरह नीचे पतले करके चुम नीचे जोड़ लवेंगे। तो फिर ये कटाई करांगे। एक किनारे ना इसके हाले दो रन नीचे दबा देंगे कि नाल जोड़ जाए, तो फिर रोटी सैड हिलेगी नहीं, तो इसकी कटाई सोहनी हो जाएगी। तो हूँ इसकी करांगे कटाई। साफ को कटर वगैरह है नहीं है इसलिए अभी छुरी ने इसकी कटाई करते पे हैं। तो नमक बारे से तैयार करांगे प्योर देसी तरीके दे नाल।
एक साइड से सिर मुकम्मल कटाई कर ली है तो दूसरी साइड से असं कटाई करा तो हम करा दूसरी साइड की कटाई अगर कटर होवे या गरारी होवे उसने कटाई करी आसान है तो छुरी ने कटाई करी थोड़ी मुश्किल हो जाती है गुजारा चल जाता फिर भी प्लेट से अभी थोड़ा जहा मैदा लगा लेंगे कि जेडे अस पीस बनाए हैं वो नाल इस जुड़नगे ना फिर हूँ असं इकट्ठे कर देंगे जी कटाई किए हुए पीस छुरी थोड़ी त्रेशमी करके पानी है जी नीचली साइड वही लगे तो इस तरह से सारे रोटियों के पीस बना के तो फिर इसमें फ्राई करते हैं। आ रोटी दूसरी समा अपनी ज्यादा प्यारी बनी है मैंने लगा फिर अपना तजर्बा हो गया तजर्बा हो गया काम भी करने ना आता है अगर बंदा देर बाद काम करे ना तकरीबन वैसे भी अपन तैयार किए हो गए तकरीबन सर्दियां भी किए दो तीन तीन के महीने चार हो गए पांच तो उस तो बाद आप हम दोबारा तैयार कर लगे इसमें इस तरह साढ़े इसते पीस बन जाएंगे तो चलो साढ़े मुकम्मल पीस बन गए तो हूँ इस असं कट्ठे करके तो फ्राई करते हैं तो कढ़ाई असी गैस उपर रख के अग जला ली आ कढ़ाई असं घी भी पा लिया आ घी भी साढ़ा गर्म होना शुरू हो गया है ये अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर असं जो पीस बनाए असं पाते हैं तो घी साढ़ा गर्म हो गया हूँ जो पीस तैयार किए असं वह पाने जो पीस बनाए उन्हें पाने घे दे छानने चंगी तरह इस हिला लाँगे कि जो असं पीस बनाए कले कले हो जाए एक कट्ठे ना हो जाए असं इन्हों तक पकावे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते टिब्बा कड़ी चीज बनती पई टिब्बा कड़ी चीज तैयार करते मैं चाचू नमक पारे टिब्बा कड़ी चीज तैयार करते मैं टिब्बा से कड़ी चीज तैयार करते पाए नमक पारे तैयार करते पाए नमक पारे जो साढ़े से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं हम इस बाहर निकाल लेंगे
चंगी तरह पका लो। ते नमक पारे साढ़े हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए आ। तो जिस टाइम गोल्डन ब्राउन हो गए फिर इसनों असी बाहर निकाल लाँगे। नमक पारे साढ़े गोल्डन ब्राउन हो गए हूँ असी इस भी बाहर निकाल लाँगे। नमक पर साढ़े तैयार हो गए ते आज की साड़ी वीडियो से इतने तक ही। अगर साड़ी ये वीडियो साढ़े भैन भावों पसंद आए इस लाइक और शेयर करो और इस जिन्हें भैन भाइयों ने अज तक आवाज़ वीर चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लो और इस घंटी के बटन प्रेस कर दो ताकि अभी जी नवी वीडियो बनावे उसका नोटिफिकेशन हर वक्त मिलता रहेगा। तो कल मिलेंगे एक नवी वीडियो नाल। उद तक सानू दियो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।